लगे हुए अब दी भैया क्या हाल है? बढ़िया सुमन भाई, और कहाँ चल दिए? और शिवा फोन किए थे, पता नहीं क्यों। हाँ फोन तो मेरे भी पास किया तो बुलाया है तुम्हें, किस कारण? चलो देखते हैं जाए। और प्रदीप भाई बढ़िया भाई? और भाई बढ़िया भाई, और गाते वक्त सब बढ़िया। तो हम कह रहे थे यार, गांव वाले पूरे गांव को एकदम गंदा कर दिए हैं, कहीं सांस लेने तक की सुविधा नहीं है, रोड पे चलने के लिए कहीं एकदम पॉल्यूशन फैल गया है, रोड पे चलने के रास्ता नहीं बचा है, हर जगह पन्नी कूड़े का ढेर। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि इसके बारे में अपने गाँव वालों को बताना चाहिए, अपने गाँव को एकदम साफ सुथरा बनाना चाहिए। वो तो है, उनको जब तक जागरूक नहीं करेंगे वो नहीं जानेंगे, क्योंकि चलो अनपढ़ भी लोग हैं। चलो हम लोग चल के अपने गांव को, गांव वालों को बताते हैं और पूरा गांव साफ कराते हैं, और जब अपना गांव साफ हो जाएगा तो अपने बगल वाले गांव में भी बताएंगे कि ये बात सही है, लोग बीमार भी हो रहे हैं इसके लिए। हमारा भारत स्वच्छ रहे। शिवा भाई ये क्या कर रहे हो? हम लोग एक रैली निकाले हुए हैं, और हम लोग पूरे गांव, मतलब गांव में लोग बीमार हो रहे हैं, हर तीन घर में एक कोई ना कोई बीमार है, इसलिए हम लोगों ने एक स्वच्छता अभियान निकाला है और अपने गांव को स्वच्छ करेंगे, साफ सुथरा बनाएंगे ताकि कोई बीमार ना हो, और गाँव वालों को इसके प्रति जागरूक करेंगे। चलो अच्छा, फिर हम दाल दुलहनिया फला बनाइस रहा है, वही खावा रहा है, तो आज प्रेशर नहीं बन रहा है। लाओ एक ठाई सुट्टा मार के सुट्टा ही अब देखी बोले ना यार। अरे सियो भाई देखो, कोई लेटिंग कर रहा है। ए भैया कहा बैठा रहा है आदत बन जाए। मतलब यह है कि लड़का 5-6 दिन चलो ठीक है भैया, गलती हो गई, हम माफ कर दियो, अब आज के बाद हमको वो बाहर शौच करे ना जाबे, और अपने दोस्त बहुत सब जने बाहर जाते रहे ना, अरे हम लोग बहुत झाड़े कर आए बाहर, बहुत गए हम लोग बताते हैं निकल पा था दांडी में जो
वापस भाई उमंग चले, उमंग चले, उमंग चले, गली गली से बच्चा बच्चा हाथ मिला कर संग चले, संग चले, संग चले, साफ हिंद की चाह में कागज पर कलम चले, कलम चले, कलम चले, भारत स्वच्छ बनाने हेतु कदम मिलाकर हम चले, हम चले, हम चले, दिखला दे दुनिया को कि भारत आशावादी है, हर दिल में अमर तिरंगा, धड़कन में महात्मा गांधी है, धड़कन में महात्मा गांधी है, धड़कन में महात्मा गांधी है, नालियों की गोद से माँ गंगा के प्रवाह तक स्वच्छ भारत अभियान चले, उठा के झाड़ू हाथ में पूरा हिंदुस्तान चले, पूरा हिंदुस्तान चले, पूरा हिंदुस्तान चले, हम स्वच्छ, हमारा भारत स्वच्छ, हम स्वच्छ, हमारा भारत स्वच्छ, हम स्वच्छ, हमारा भारत स्वच्छ। अब समाप्त हो गया है, मैं आप लोगों को इस कार्यक्रम से मिली सीखों को बताना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि आप लोग कभी बाहर सोच करने ना जाया करें। जिस तरह आज मैं टोका गया हूँ, उस दिन आप भी किसी दिन टोके जाएंगे मेरे भाइयों, आपको वो छोटे छोटे बच्चे समझाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ कि कभी भी बाहर सोच करने ना जाए और कभी भी किसी को जाने ना दे, क्योंकि ये बाहर सोच करने से वहाँ पे मक्खियाँ बैठती हैं और वही मक्खियाँ हमारे खाने पीने के सामान पे बैठती हैं, जिसके कारण जिसको खा के हम बीमार से पड़ सकते हैं। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, जिस समय आज भारत में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है, चाहे वो इंडोगल्फ हो, चाहे वो नवजीवन हो, चाहे वो संजीवनी हो, चाहे वो सूर्य हो, जहाँ पर मरीजों की लंबी कतारें ना लगी हो, इसका मेन कारण यही है। आज भारत में कोई बच्चा पैदा होता है उसके 3 दिन बाद मर जाता है, इसका कारण यही है मेरे भाइयों कि उसको गंदी हवा मिलती है, उसी के कारण वो खाते हैं, उसी सूंघते हैं, इसी के कारण आज हमारा बच्चे मर जाते हैं, इसका यही कारण है। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोग मेरे साथ मिलकर इस स्वच्छता को, मैं कहता हूँ आप लोग सिर्फ अपने गाँव में स्वच्छता प्रारंभ कर दें, उस दिन पूरा गाँव चल पड़ेगा आपके साथ। और खाली करतियां दारू दियां बोतलां, खाली करतियां दारू दियां बोतलां, तू पी के अज टली हो गई, टली हो गई, टली हो गई, नाले नचदी सहेलियां दे नाल, नाले नचदी सहेलियां दे नाल, ते नच नच चली हो गई।